सामाजिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से शिमला शहर के वार्ड नंबर 16 जाखू स्थित दादा दादी नाना नानी पार्क में वार्ड पार्षद अतुल गौतम की अगुवाई में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में स्थानीय जनता और नगर निगम कर्मचारियों ने भी पौधारोपण किया। जाखू वार्ड पार्षद अतुल गौतम ने बताया कि पिछले वर्ष की आपदा से सबक लेते हुए वार्ड में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। आज ये आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से हमने यहाँ पे फूल पौधे लगाए हैं और आज इनका एक स्पेशल एक सेवा के दिन होते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, और इनका आज मनोरथ भी था पूरी टीम का। तो 20-25 लोग आए थे और MC का स्टाफ आया था हमारा। तो आज हमने यहाँ पे काफ़ी ये फूल पौधे लगाए हैं और इसका जो देखरेख होगी और जो इनकी मेंटेनेंस होगी, हम सब वार्ड के लोग खुद मिलके इनको देखेंगे कि ये आगे भी ठीक चलें। और मेरा ये संदेश भी रहेगा सब शिमला के लिए, सब वार्ड्स के लिए, सब संस्थाओं के लिए कि वो अभी बरसात का वक्त है, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, क्योंकि पिछले साल भी इतनी आपदा आई थी शिमला में, बहुत नुकसान हुआ था। तो हम अपने शहर को और एक तो ज़्यादा ग्रीन बनाएंगे और इससे आप एक जो हमारा इकोलॉजी है हर चीज़ को हम बचा सकते हैं, और जहाँ जहाँ स्लाइड्स हुए थे उन जगहों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फूल पौधे लगाने चाहिए। आज का तो यही कार्यक्रम था, ये हमारा आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलके था। उसके बाद हम पिछले साल भी हमने ऊपर जाखू में काफ़ी आपका ये ब्रास के और देवदार के पेड़ लगाए थे, अब हम उसके बाद ट्री प्लांटेशन करेंगे। अभी तो आज फूल ही लगाए थे, यहाँ दादा दादी पार्क में ट्रीज तो लगा नहीं सकते ना, तो यहाँ फूल लगाए हैं आज। वहीं जाखू वार्ड की स्थानीय बुजुर्ग महिला ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बरसात के मौसम में पौधारोपण करना चाहिए जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। सुषमा मिनोचा है, मैं भी 16 वार्ड से ही हूँ और आज आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने यहाँ पर पौधे लगाए हैं, फूलों के भी और दूसरे भी हाइडेंजिया के भी लगाए हैं, और बंदरों से बचाव के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था एक कोर्स करवाती है, बेसिक कोर्स भी होता है, एडवांस कोर्स भी होता है। आज एडवांस कोर्स था, तो एडवांस कोर्स में ये होता है कि एक तो बच्चों ने सेवा करनी होती है जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक इन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था आज इसलिए वो बोल नहीं पाए, पर सब ने पार्टिसिपेट करा और पौधे लगाए। और अतुल जो हमारा पार्षद है उसके सजन्ने से ये सारा काम संभव हो सका। नहीं, पेड़ इसीलिए लगाने चाहिए कि रोज कितने पेड़ जल रहे हैं, सुनने में आ रहा है कभी तारा देवी के पास कभी कहीं पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार सरकार का मकसद है कि जितना भी हो सके उतने पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि आगे आपदा आने से बचे रहें। देखेंगे जी अपने एरिया में जो भी हमारा वार्ड है, अतुल के सजन्ने से हम किसी की ड्यूटी लगाएंगे और अपना कॉरपोरेशन से भी माली वगैरह को रिक्वेस्ट करके हम खुद देखा करेंगे।